अलविदा 2023 खुशामदी 2024 तलख व शीरी याद लिए साल 2023 का आखिरी सूरज गरूब रवा साल का आखिरी सूरज 5:09 पर गरूब हुआ। साल 2023 में आवाम को कभी खुशी कभी गम पुरमसरत और मुश्किल औकात का सामना रहा। साल 2023 में महंगाई के हमले सूरतें बदल बदल कर तसलसल से जारी रहे। साल 2023 में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर रहा। नए साल की आमद आमद महकमा स्कूल एजुकेशन के हालात जूं के तू, साल तो बदलते रहे मगर 2023 में भी लाहौर के तालीमी इदारों के हालात न बदले। रवां बरस भी कोई नया स्कूल नहीं बन सका। आबादी में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र 2023 में भी कोई नया स्कूल तामीर नहीं हो सका। लाहौर के स्कूलों को सहूलियात की कमी का सामना। साल 2023 मेगा प्रोजेक्ट्स का साल रहा। निगरान पंजाब हुकूमत ने कई मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करके मुकम्मल किए लेकिन माजी में शुरू होने वाले कई मंसूबे इस साल भी अधूरे रहे। साल के अख्तिताम पर निगरान पंजाब हुकूमत ने मजीद मंसूबे शुरू करने का भी ऐलान किया। जनवरी से दिसंबर तक कई मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए। दो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल, बाकी अभी अधूरे। समनाबाद अंडरपास को शुरू करके रवां साल ही में ख़त्म किया गया। शाहदरा के मुकाम पर फ्लाई ओवर की 7.5 माह में तामीर मुकम्मल हुए। न्यू ईयर नाइट पर फैमिलीज को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए लेडी वार्डन्स का स्पेशल स्क्वाड तैयार। CTO अमारा अथर का कहना है कि लेडी वार्डन्स हैवी बाइक्स पर फैमिलीज को हुल्लड़बाजी से बचाएंगी। पेट्रोलिंग स्क्वाड शहर की अहम शाहराहों पर रात गए तक गश्त करेगा। फैमिलीज को हरासा करने से बचाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। मोशरवे पुलिस का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने करने का फैसला। तमाम कौमी शाहराहों पर सफर के दौरान खिलाफ वर्जी पर बिला तफरी कार्रवाई होगी। तेज़ रफ्तारी पर मोटरसाइकिल 1500, कार 2500, हैवी ट्रैफिक पर 5000 जुर्माना आयद होगा। ओवरलोडिंग वाली गाड़ियों को इजाफी जुर्माना 10,000 रुपये अदा करना होगा। मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाने पर इजाफी जुर्माना 2,500 रुपये आयद होगा। एमरजेंसी गाड़ियों के रास्ते में खलल डालने पर इजाफी जुर्माना 5,000 रुपये आयद। शदीद धुंध और बिजली की पैदावार में कमी। मौसम सरमा में भी लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया। शदीद धुंध और पानी की कमी के बायस हाइडल बिजली की पैदावार में कमी। लेस्को को 500 मेगावाट बिजली के शॉर्ट फॉल का सामना। शहर में 4 से 5 घंटे और दही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जाने लगी।